अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन जी, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में इलेक्शन की आमद आमद है, इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं हल्का पीपी कैसी में। आवाम की राय जानने आए हैं कि वो किनको वोट देना चाहते हैं। सर आपको पता है ऐसे कि पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, आप इस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? सर पीडीए को तो नहीं हो जा वजह, जो इतनी महंगाई हो रही है सामने तक पता ही की वजह और वजह कोई नहीं पता है। वजह ऐसे के नूली नु कहने हैं, बाकी इस दफा जरा पीडीएम देंगे क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा ना था। शुक्रिया भाई। जैसा भी आपको पता है पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, उस सिलसिले में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? इंशाल्लाह पीडीए को। सर पीडीए को वोट देने की कोई वजह? वजह तो ये यार, वो अच्छा आदमी है, जबकि लोग आए हैं महंगाई बहुत तरक्की था। सर जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? नवाज शरीफ। सर नवाज शरीफ को तो नहीं की वजह? बहुत अच्छा बंदा, बादशाह बड़ा नाइस बंदा, पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तानी वाला इमरान खान पढ़ के दुनिया को दलील कर छेड़े जनाब। हम इलेक्शन आ रहे हैं, उस सिलसिले में आप इस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? किसी को भी नहीं देना। सर किसी को भी नहीं, यानी कि इतनी पार्टी है हुकूमत तो किसी को इस्लाम ही आना, किसी ने भी नहीं देना भरा, किन्नी मर्जी पार्टी हो लोड़ भी देन दी हाडे भी हकदार नहीं है, साढ़े कोई खैर खा है नहीं है, यही मैंने वोट दी कोई साडा खैर खा नहीं, अपनी खैर खा अपने कमाना तो खाना है बोझी, मगर हुकूमत तो किसी ने चला रही, हुकूमत चलाने ने कई किया, हुकूमत चलाने के किया जी। पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसी सिलसिले में आप किसको वोट देना चाहेंगे? वोट भाई सर उसको भाई को देने को वजह, मुसलमान तो है ना? बिल्कुल है, दूसरों को मुसलमानों का काम है कि उन्होंने कोई है काम, कोई एक बता दे ना, नून लीग ना पीटीआई कोई है एक भी, तो पाप लीग वो हर एक ही चोर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्लाह का भाई जान। भाई जान जैसे कि आपको पता है पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, उस सिलसिले में आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? जी भाई हम नवाज शरीफ को दें। भाई जान नवाज शरीफ देने की कोई वजह? नवाज शरीफ भाई आवाम का सोचता है, मुल्क का सोचता है, इसीलिए भाई उस पर देंगे। शुक्रिया भाई। थैंक यू। क्या पंजाब में इलेक्शन की आमद आमद है, उसी सिलसिले में आप किन को वोट देना चाहते हो? और जी फकत लिहाजना जरा को अच्छा लगा हो गया, तो अभी तक कोई सोचा नहीं आपने? सोचा अभी तो लगने को मुझे भी कोई नहीं लगा, तो पता लगेगा तो फिर कैलेंडर लगेगा फिर। जी ठीक है, फिर जब आप आएगा पता लगेगा केड़ी पार्टी जा रही है केड़ी जा रही है, तो फिर गाले जो पावे तो नहीं सोचा, इन्ना चिर हो गया वोट पा दिया सोच के पाइया बिने खिलाके हेदा भी लाए वोट जाके पास कर। जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबान। तो सर जिस तरह की आपको बताया कि पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में आप किसको वोट देना चाहते हैं? मैं तो शहबाज शरीफ और वोट देना चाहता हूँ। इसका मतलब आप शेर को वोट देना चाहते हैं? तो सर शेर को वोट देने की कोई वजह? वजह पता नहीं, कारोबारी बंदे ने देखो ना, वो जो गए ही इमरान खान तेल सस्ता ही यार, शह सस्ती ही, इन्हें आके शुरुआत की थी, उस तो बाद उन्होंने देखो घटता नहीं पिया, उन्होंने आसा आसा घटा रहे इंशाला अल्लाह का हुक्म। भाई जैसा कि आपको पता है कि जी पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, उसी सिलसिले में आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? हम इमरान खान को वोट देंगे। सर जैसा कि आपको पता है पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, उस सिलसिले में आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? हम ये कहें हम किसी पार्टी की तरफ नहीं है, महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई को कोई पार्टी भी काम नहीं कर रही, इसलिए भाई महंगाई की वजह से हर आदमी हम परेशान है, महंगाई इतनी हो गई इस दौर में कम से कम 1 लाख रुपए हर महीने आमदन हो कम से कम तक उधर आते, महंगाई बहुत हो गई है। तो आपका वोट किसी तरह? वोट जो पार्टी फिर महंगाई कम करेगी उसको ही देंगे। ठीक है शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, उसी सिलसिले में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? इस पार्टी को वोट देना चाहेंगे तो हम वोट देंगे पीटीआई को। सर पीटीआई को वोट देने को? जी भाई इमरान खान को, इमरान खान साहब को वोट देने की वजह? वजह यही है कि अब हमारे मुल्क में से बेहतर हमें लीडर नजर नहीं आ रहा, हमें इलेक्शन आ रहे हैं, तो सिलसिले में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? हम तो यार इधर के स्वाद के, हमारा तो उठ उधर का बनते ना, इधर का नहीं बनते। चले वो पार्टी का देना, पार्टी हमारे इंशाल्लाह कोशिश ही है कि हम इमरान खान को वोट दे रहे। जैसा कि आपको पता है कि अभी इस टाइम इमरान खान साहब के बड़े 100 से ऊपर केस है, इसके बाद भी आप इमरान खान साहब को वोट देंगे?
क्योंकि हुकूमत कोई भी आ जाए ना, हमको कुछ नहीं मिलना, हमने वो कमाने खाने ठीक है, लेकिन हमारा शुरू से ही हिसाब है हमने उसको वोट देना। अच्छा, आपने शुरू से यानी कि पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं उस सिलसिले में आप इसको वोट देना चाहिए? सर हम तो किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि हमने खुद अपना कमा के खाना है, किसी को जो ना कुछ भी नहीं, किसी ने देना हमें। सर आपने हमला तो खाना है मगर मुल्क तो किसी ने चलाया है ना, पहले हम देते रहे लेकिन आप किसी को भी नहीं देने। पहले किसको दिया था? पहले हम पीटीआई को देते रहे। तो सर आप क्यों नहीं दे रहे? अब हालात आपके सामने ही है, अब तो हम डेली नहीं कर रहा किसी को देने का, जो हालात सामने आ गई। पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं उस सिलसिले में आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? हम तो इमरान खान को वोट देंगे। और उसकी वजह? वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है, उसने काम वगैरह बहुत तो सारे काम किए हैं, उसने काम तो वो ही कर रहा है, और क्या कर रहे हैं ये तो सारे जेड़े अपने अपना 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 जेड़ा कर रहे हैं, ये आटा दे रहे हैं, बंदे मर रहे हैं, क्या तरीका कर रहा है ये एहसास प्रोग्राम उन्होंने चलाया है, और ये तो उससे भी पैसे निकाल रहे हैं, और किसे वोट दे, इनको तो जमाया है, अब इसको जमा कर देख लेते हैं। चले भाई शुक्रिया। आपको पता है पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं तो उसी सिलसिले में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? लबैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि ये इमरान खान है जो नवाज शरीफ है और भी काफी ज्यादा पार्टियां हैं, इनसे आपका दिल हट गया? जी बिल्कुल। तो पहले आपने किसको वोट दिया था? नून लीग को। नून लीग को दिया था, तो अब इसमें क्या आ जाएंगे आपको, क्या नजर आया? बस दिल्ली नहीं करता, बस लबैक वाले को बस वोट जो होता है उसको देना है, उसके अलावा किसी को भी नहीं देना, अगर कोई इधर आया भी उसको भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। जी शुक्रिया। आपने इलेक्शन आ रहे हैं उसी सिलसिले में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? हम नवाज शरीफ को देते हैं। सर नवाज शरीफ को देने की कोई वजह? नवाज शरीफ शहबाज शरीफ देते हैं। शहबाज शरीफ को देते हैं? जी शहबाज शरीफ देते हैं, उनको भी देंगे, देते हैं क्योंकि वो चोरी ज्यादा करते हैं, सबसे बड़े चोर हैं। हाँ, तो इसलिए कहते कि आगे भी इन्होंने जो कुछ किया है, किया अब इनको जिन इन्होंने फंसाया है ना, ये फंस गए हैं इस मुल्क में। इमरान साहब, इमरान साहब, ये जरदारी साहब, इन्होंने इनको फंसाया कि लो आगे चला के दिखाओ हुकूमत, जब महंगाई का दौर है, इन्होंने इतना की महंगाई कर दी, कैसे कंट्रोल करते ये, इन्होंने कंट्रोल कर ही नहीं सकते, इनको ना कोई कर्जा मिला, ना इनको मदद मिली है, ना इनको कुछ नहीं दिया है, वो अब कहते हैं इनको चला के दिखाओ मुल्क, ये कैसे चलाएंगे मुल्क, जब कोई तामन नहीं करता इनके साथ, बाहर के लिए तामन करते, ये क्या करे, ये तो फंस गए हैं इनके साथ। सब बस ये मिली जुली भगत है, सबकी मिली जुली है, अब एक जैसे चोर ही है ना, मानो ना फिर तुम भी। चोर तो जो है चोर ही होता है, पर ये है कि जो आगे भी इनकी अच्छाइयां देखी है ना, वो देखने आगे देखें तो वो अच्छा काम करके जो है ना, देखा जाए तो कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं कर रहे, जब तक ये पक्की हुकूमत कोई भी आए, ये सरदार भी आवे, भावे इमरान खान आवे, भावे शहबाज शरीफ कोई भी आए, ये पक्की हुकूमत आएगी तो फिर ये मुल्क चलेगा, फिर हम दूसरे तामन करेंगे, अब तक कोई इसके साथ तामन नहीं कर सकता। शुक्रिया। मैं तो इंशाल्लाह दूंगा लबैक या रसूलल्लाह, मौलाना खादम रजवी साहब को वोट दूंगा इंशाल्लाह। तो आप उनको वोट दे रहे हैं जी, तो उसकी कुछ वजह कि किसने उसको वोट दे? बस हमारे वो बड़े हैं तो मैं, हम खाली मैं नहीं, मेरा सब जो चाचे ताए के बेटे भी है ना, वो सब इंशाल्लाह। पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं तो आप इसी सिलसिले में किसको वोट देना चाहते हैं? मैंने नून लीग को देना है, पहले भी उसी को दिया है। ठीक है सर, तो इसकी कोई वजह कि उन्होंने, यानी कि लोग तो कहते हैं कि उन्होंने चोरी की है, वो चले गए यहाँ से, लंदन भाग गए हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके पाकिस्तान में जिसने भी काम किया वो नवाज शरीफ है, उसी ने काम किया, इसके अलावा इनके काम बनवा रहे किसी के काम नहीं है, नवाज शरीफ ने मोटर वे बनवाए हैं, सारा कुछ काम उसने किया है, एटम बम भी उसी ने चलवाए हैं, जो जो मेन काम था पाकिस्तान का उसने किए हैं, जिससे हमारी शनाखत है, एटम बम जो उसने चलाई है उससे हमारी शनाखत है आज की, हमने जना पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, तो इस वजह से हम नवाज शरीफ को वोट देते हैं। ठीक है सर, जी चोरी के बारे में आप क्या कहते हैं? जो लोग कहते हैं चोरी ये है कि इनके जो मुखालफीन है, आज से तकरीबन 4.25 साल उन्होंने हुकूमत की है, आज तक कुछ साबित नहीं कर सके, वैसे तो मैं आपको भी कह सकता हूँ आप चोर है, चोर कहने की बात नहीं है, साबित करना पड़ता है, 4.25 साल हो गए आज तक साबित नहीं कर सके कि नवाज शरीफ चोर है, उनकी हुकूमत थी 4.25 साल की। तो ये लोग कहते हैं कि अगर वो नहीं है चोर तो फिर वो लंदन से यहाँ पाकिस्तान आ जाएंगे, क्यों नहीं आ? वो आ जाएंगे, पहले भी पाकिस्तान थे, पाकिस्तान में थे, अभी वो बीमारी की वजह से वो गए लंदन, तो पाकिस्तान आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है।
जी जना शुक्रिया सर। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, उसी सिलसिले में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? आप अभी नॉन लीग दे हैं, पीटीआई वाले भी पल्ला कर लेंगे, पर जो सूटते हाल बेटा इन्हें महंगाई की कट छी, इन्हें आवाम की कमर नहीं तोड़ी, इन्होंने हल घुट छी आवाम ने, वोट जाया कर देना बेहतर पाना नहीं बेहतर मेरे हिसाब। जी शुक्रिया जनाब। पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, उस सिलसिले में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? पीटीआई। सर पीटीआई को देने की वजह ये महंगाई बहुत ज्यादा कर रही है, गरीब आदमी बहुत ही परेशान हो रहा है इस वजह से। शुक्रिया जनाब। जी पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, उस सिलसिले में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? किसी को भी नहीं। सर क्यों किया बाजार सबको तो माल ही है। पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, उसी सिलसिले में आप किसको किस पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? सर उसकी कोई वजह? वजह दीनी जमात है, हम दीनी जमात को सपोर्ट करते हैं, मजबूत हो गया। इलेक्शन आ रहे हैं तो उस सिलसिले में आप किसको वोट देना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ ना इमरान खान चाहिए, क्योंकि देखो आप मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है, मुल्क के लिए अभी मेहनत, अब जब एक चीज को कर्जे से निकालना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, दो चार साल अभी उनको मेहनत करना पड़ेगा, अगले साल फिर सही होगा, बाकी अल्लाह पाक उस बंदे को पाए जो मुल्क के लिए सही हो। चीमे चटे खान दो वी लड़ाई न सारे इकट्ठे, सारे इको ही निको ने, भावे इमरान खान है भावे दूजा है। इमरान खान के कसूर और कुछ नजर नहीं आता, ये लोग तो कौन वाले सब पार्टियों को देख दिए, पीटीआई वाले अच्छे है, इमरान खान बहुत अच्छा, उसको वोट दे। अपना वक्त आता है, पता नहीं इनको क्या मिलता है, ये भाग जाते हैं सारे। इस वक्त जो है ना जमात इस्लामी भाई आ गया है, आप तो कोई करप्शन कोई सुनी नहीं है उसकी, इसका मतलब आप जमात इस्लामी को इस्लामी के हक में मैं इस वक्त, हालांकि पहले मैं नून लीग का था, अब जमात इस्लामी के हक में आ गया हूँ। जी ठीक है, एक और बात आपसे करनी थी कि जैसे आपको पता है कि जी इमरान खान साहब आए, इन्होंने मुआहदे किए, ठीक है, तो नून लीग वगैरह ये कहती है कि जी इमरान खान साहब ने मुआहदे किए, उसी वजह से आज हम लोग यानी कि कर्जे में डूबे हुए हैं, ये वो वगैरह महंगाई ज्यादा कर दी है, सिर्फ इन लोगों के मुआहदे के हिसाब से, उस बारे में क्या करते हैं? ये सब जो होता है इनकी आपस की मिली भगत है, उसने उसको कहना है, उसने उसको कहना है, एक दूसरे पे डाल के अपनी जान छुड़ा रहे हैं, आवाम को मार रहे हैं, ठीक है ना, ये सब झूठ है, हम इस बात को मानते ही नहीं है, साफ सीधी बात है। जी शुक्रिया। पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, उस सिलसिले में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? हम वोट सिर्फ इमरान खान को देंगे, बाकी ये सारे अरे गहरे नथु खैरे जो भी है ना, इनको हम वोट नहीं करेंगे। सर इमरान खान को वोट देने की कोई वजह? वो एक मर्द आदमी है, वो अमेरिका के सामने खड़ा है, वो इन सब के सामने खड़ा है, 13 पार्टियां चोर, और साथ में इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, और साथ में ये जो क्या नाम है इसका, ये हमारी आर्मी टोटल, ये सारी उसकी बैठ गया है, लेकिन फिर भी वो मर्दों की तरह खड़ा है, 146 मुकदमे उसके खिलाफ हैं, और ये जो है उसको इसी हाल में नहीं डाल रहे कि ये भाग जाए, लेकिन वो मर्द मैदान है, वो मैदान से नहीं भागेगा। शुक्रिया भाई। थैंक यू। इलेक्शन आ रहे हैं, उस सिलसिले में आप किस पार्टी को वोट देंगे? मैं पार्टी से वोट देना इमरान खान हूँ, एक दो ढाई थी उसने जीतेगा, एक दो कागजी भट्टो का भी रिकॉर्ड तोड़ गया, भट्टो का भट्टो ने कोई ना इतने कोई सीट नहीं कटी है, इस वक्त कोई ना जुड़िए सीटा कटेगा, इन्हें महंगाई च लक तोड़ दिता, वही जोड़ा 650 का तोड़ा ही, वो 1200 का घर छड़िया, वो जो तुम मुहर का आटा देना है वो 600 का तोड़ा ही, उन्होंने तुम 500 का कर दो, 400 का कर दो, मुहर देने के नालों के क्या दे इमरान खान, मैं उदों का जानना हाँ जो शेर वाले बाग आया ही ना, 800 बंदा शेरे मगर 500-600 बाल बैठे अगे, आंदा भाई जदों मैं बाल जवान हो गए ना मैं वजीर आजम बन जाऊंगा, वो जिस वेले 18 साल बाद बाल जवान हो गए वह वजीर आजम बन गया, वो रब ने सुन ली, वो सच्चा इंसान है, उन्हें मुल्क पटरी से चाड़िया है, इन्होंने मुल्क पटरी से चाड़िया सीधा के चाड़िया ने करके छट कर छड़े, जरदारी पे है, नवाज शरीफ पे है, ये पक्के किन्ने चोर पे ने, उन्होंने क्या जेद इन पुलिस ने सीधा कर दिता ना, साडा ना नहीं किसी ने लाना है, साडा ना किसी नहीं लाना है,
नहीं आंदे। शुक्रिया भाई।